बात करेंगे सीतापुर की, जहां बाथरूम कर रहे व्यक्ति को मना करना पड़ा भारी। व्यक्ति दरवाजे पर कर रहा था बाथरूम, व्यक्ति को मना करना एक परिवार को भारी पड़ा है। दबंगों ने साथियों के साथ व्यक्ति पर किया हमला, लाठी डंडे और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना रेउसा कस्बे का यह पूरा मामला। युवक को बाथरूम करना भारी पड़ा, माफी चाहेंगे, बाथरूम करने से मना करने पर यहां पर मारपीट की गई है। हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना रेहुआ कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां बाथरूम कर रहे व्यक्ति को मना करना पड़ा भारी। व्यक्ति दरवाजे पर कर रहा था बाथरूम, व्यक्ति को मना करना एक परिवार को पड़ा भारी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सीतापुर से अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, एक युवक को बाथरूम करने से रोकने पर इतनी बड़ी सजा की मरणासन में युवक को पहुंचा दिया जाए? जी बिल्कुल सही कहा, ये सीतापुर के थाना रेउसा क्षेत्र का मामला है। जब बताया जा रहा है कि ये दलित परिवार था और वो लोग काफी दबंग लोग हैं, जिसके चलते वो जब घर के सामने बाथरूम कर रहे थे तो इन परिवार ने मना किया, जिसके बाद वो इतना नाराज हुआ कि अपने कुछ साथियों को फोन कर बुलाया और रास्ते में उसे लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद स्थिति में छोड़कर उसे भाग गए। बिल्कुल अबरार, लेकिन अभी अबरार घायल युवक की अभी हालत कैसी बताई जा रही है? अभी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, सीतापुर के जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी तक मुकदमा पुलिस के द्वारा नहीं दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते इसके क्या है मामला, जिसके चलते अगर पुलिस ने ये मुकदमा अभी तक क्यों नहीं दर्ज किया। अबरार, आप नजर बनाए रखिएगा तमाम जानकारी पर। तो ये थे हमारे साथ सीतापुर संवाददाता अबरार अली, जो कि युवक के साथ मारपीट कर मरणासन्न अवस्था में उसको पहुंचा दिया गया है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार